Subscribe now for all the latest and trending updates. सीरियल अनुपमा से काव्या हो चुके हैं बाहर, वनराज हो चुके हैं बाहर यानी कि सुधांशु पांडे और मदलसा। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है कि शो में एक खूबसूरत चेहरा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंटरनेट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अनुपमा शो को कुछ दिनों में कई स्टार्स ने छोड़ा है। सुधांशु पांडे और मदलसा के शो छोड़ने के बाद अब एक नए एक्टर के शो में आने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शो में लीप आने वाला है। कहानी में 15 साल का लंबा लीप आएगा, जिसके बाद कहानी में काफ़ी बदलाव नज़र आएंगे। अब जिस एक्ट्रेस के शो में आने की बात हो रही है वो है कांची सिंह। जी हाँ, अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कांची सिंह शो में आने वाली हैं। कांची आध्या का किरदार निभाएंगी। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि क्या कांची के आने के बाद कहानी उनके इर्द गिर्द घूमेगी कि नहीं। अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, इसकी फ़िलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती है। वैसे कांची के अलावा शिवम का भी नाम शो के लिए सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि इन दोनों का रोमांस शो में चलेगा। शिवम खजूरिया की हम बात कर रहे हैं। कांची के बारे में बता दें कि वो इससे पहले पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुकी हैं। शिवांगी जोशी के किरदार नायरा की बहन गायु का किरदार वो निभाती थी। कहा ऐसा भी जा रहा है कि इससे पहले भी कांची को शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब शायद बात नहीं बन पाई। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।